तो जैसा आपके पास डिटरमिनेंट दिया गया है, इसके माइनर और को फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोग जानते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट एम आई जे एंड ए आई जे बी द माइनर एंड को फैक्टर, माइनर एंड को फैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो पहले माइनर्स हम लोग निकाल लेते हैं। कितने माइनर्स? सारे 9 एलिमेंट हैं आपके पास यहाँ पे, तो 9 माइनर्स एलिमेंट होंगे। तो क्या हो जाएगा? M11। M11 का मतलब क्या होता है? ये A11 का क्या है आपका? माइनर है। तो पहली रो और पहला कॉलम डिलीट कर दीजिए। पहला रो गया और पहला कॉलम, क्या बचा आपके पास? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बचा। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 × 1 माइनस 0। इसी तरह से आप M12 निकालोगे। M12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम डिलीट कर दीजिए, पहला रो और दूसरा कॉलम। तो 0 0 0 1, 0 0 0 1 क्या आ जाएगा? 1 × 0 0 माइनस 0 0। फिर क्या हो जाएगा आपका? M13 दैट कम्स आउट टू बी पहला रो तीसरा कॉलम डिलीट कर दिए, 0 0 1 0, 0 0 1 0 दैट आल्सो कम्स आउट टू बी प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ ऑफ डायगनल, दैट इज 0। इसी तरह से क्या निकालेंगे आप? M21 क्या हो जाएगा? दूसरा रो और पहला कॉलम, 0 0 0 1, 0 0 0 1, ये भी आपका 0 दे रहा है। इसी तरह से M22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम, 1 0 0 1, तो दैट कम्स आउट टू बी 1। इसी तरह से M23 कितना आ जाएगा आपका? दैट कम्स आउट टू बी दूसरा रो और तीसरा कॉलम, 1 0 0 0, कितना आ जाएगा आपका? दैट कम्स आउट टू बी 0। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि M11 है, 1 आ रहा है, M22 1 आएगा और M33 1 आने वाला है, बाकी सब 0 आने वाले हैं ना। खैर, हम लोगों को लिखना है तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं आप। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? M31 का मतलब क्या हुआ? तीसरा रो और पहला कॉलम, तीसरा रो आप गायब कर दोगे तो तीसरा रो गायब पहला कॉलम गायब, आपके पास बचेगा 0 1 और 0 0, दैट कम्स आउट टू बी 0। M32 क्या करोगे? तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम चला गया आपका, तो 1 0 0 0, दैट आल्सो कम्स आउट टू बी 0। M33 कितना हो जाएगा आपका? तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो ये आ जाएगा 1 0 और 0 1, ये 1 आ गया। ठीक, तो दीज आर द माइनर्स। को फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि जो ए आई जे को फैक्टर होता है, दैट इज -1 to the power i + j टाइम्स एम आई जे होता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप? यहाँ पे लिख सकते हो ए आई जे, तो A11, ठीक है, दैट इज -1 to the power 1 + 1 M11। अब M11 -1 की पावर इवन है, प्लस आएगा इस दोनों केस में। इस केस में A11 M11 बराबर होंगे, मतलब कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपका M12, तो -1 to the power 1 + 2 ऑड है, तो ये -1 आएगा टाइम्स M12। M12 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका? A13 दैट इज -1 to the power 1 + 3 इवन है, प्लस आ जाएगा M13, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से A21 क्या हो जाएगा? -1 to the power 8 क्योंकि 3 आ रहा है, और M21 0 है, लिख देते हैं M21, तो दैट इज 0। इसी तरह से A22 दैट इज -1 to the power 2 + 2 इवन है, तो ये +1 प्रोड्यूस करेगा, और M22 ये 1 है, तो ये भी 1 आ गया है ना। इसी तरह से आपका A23 -1 to the power 2 + 3 ऑड हो गया, -1 प्रोड्यूस करेगा, और M23 वो 0 है, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। सिमिलरली
यहाँ हम डबल वो कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आप निकालोगे A31, तो A31 कितना आएगा आपका, A31 कम्स आउट टू बी -1^3+1 मतलब 4 हो जाएगा, और M31 जीरो है तो ये भी जीरो आ जाएगा। इसी तरह से A32 है ना, ये भी आपका जीरो आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका A33 है ये आपका 1 आ जाएगा। दैट इज़ योर फाइनल आंसर।